सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे अम्मा की बोली मूवी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्या है अम्मा की बोली? जो मूवी है छोटे टाउन, पारिवारिक रिश्ते, रिश्तों में दरार किस किस वजह से होती है, क्या वजहें हैं, और एक जनरेशन का पीछे होता जाना, एक का आगे आता जाना, और पीछे जो जा रहा है उसको सब भूलते जा रहे हैं, अपना आगे का देख रहे हैं, तो इस तरह की एक मूवी। ओके सर, आपने आपके करियर में बहुत से किरदार किए हैं, तो जब भी आप कोई कैरेक्टर करते हैं ऐसे क्या, कैसे आप चुनाव करते हैं अपने कैरेक्टर? तो मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूँ, डायरेक्टर मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाते हैं, और अगर वो मुझे सुनाते सुनाते दिखा देते हैं ना कि ये देखिए ऐसी फिल्म बना रहा हूँ मैं, तो वो पहली प्रायोरिटी होती है कि डायरेक्टर खुद देख पा रहा है कि नहीं फिल्म जो बनाने वाला है वो। तो मैं ऐसे ही चुनता हूँ कि यार डायरेक्टर देख पा रहा है ना, हाँ रोल मेरा ठीक ठाक है, अच्छा है, कुछ करने को है, तो चढ़ जा बेटा सुनो। ओके, अम्मा की बोली में बहुत ही हटकर आपके कैरेक्टर लग रही है, सो क्या ऐसी चीज है जिसके लिए आपने हामी भरी है कैरेक्टर? देखिए ये कहानी बहुत मजेदार थी, बहुत ही मजेदार कहानी है अम्मा की बोली। एक तो अम्मा की कहानी चल रही है, ऊपर से एक स्कूटर की कहानी चल रही है, सब चीज की कहानी चल रही है। तो ये स्कूटर वाली कहानी जो मुझे बहुत मजेदार लगी थी उस समय, और डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं, तो डायरेक्टर बहुत अच्छे, मतलब मेरे जूनियर हैं, इस वजह से भी कि चलो जूनियर की एक मदद भी करेंगे, एक अच्छी फिल्म बनेगी। सारे एक्टर्स मेरे, गोविंद जी सीनियर हैं, जाकिर जूनियर, सब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, तो ये एक किक पॉइंट था कि सब लोग मिलके, रिश्ता भट्ट सब लोग तो एक काम करेंगे। सर कोई कोइंसिडेंस था या कोई एक सोची समझी थी कि सभी के जो नेशनल स्कूल के थे वो एक ही मूवी में आए, ये मूवी में? क्योंकि डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का था ना, अरे गोविंद भाई अपने सीनियर उनको जाके बोल दूंगा तड़ से आ जाएंगे, अरे वो जाकिर भाई अपने जूनियर उनको बोल दूंगा, इश्तियाक मेरा जूनियर वो आ जाएगा, संजय भाई अपने सीनियर वो आ जाएंगे, तो सबको ऐसे करके जुटा लिया गया। ओके सर, 3 दशक से भी आप ज्यादा हो चुके हैं आप ये इंडस्ट्री में है, बहुत से कैरेक्टर के बहुत प्यार मिला आपको लोगों से, कैसे आप मैनेज करते हैं इतने सालों से जो आपकी जर्नी रही, कैसे देखते हैं आप? जर्नी ही देखता हूं मैं इसको, टिकट लेके चढ़ गया, भीड़ में खड़ा रहा, वेटिंग लिस्ट, फिर एक आरएसी में जगह मिल गई, एक कुर्सी मिल गया बैठने के लिए, दिखा बेटा आप, फिर धीरे धीरे वहाँ से लगा कि आओ अब इनको एक बर्थ दे देते हैं, सर ये बर्थ, उसके बाद धीरे से लगा रे 3 टायर में क्यों है, 2 टायर एसी में भेज दो इनको, तो वहाँ चला गया। तो मतलब आप जगह पे पहुँचते गए और आप अपने आप को दिखाते गए कि बस हाँ मैं इस काबिल हूँ, मैं इस काबिल हूँ, मैं इस काबिल हूँ, और लोगों ने उसी तरह आपको लिया। तो ये 3 दशक आप बोल रहे हैं ना, हाँ ठीक है, 3 दशक क्या है, कुछ नहीं, बहुत छोटा है। पहला दशक तो सतर्की बनाने में लग गया कि कहाँ किसको कैसे दिखाऊँ, दूसरे दशक में कुछ आया हाथ में, और तीसरे दशक में जो है एक कलाकार के हिसाब से मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे मेरी तरह के रोल लिखे जा रहे हैं और मुझे मिल रहे हैं। सर इसके अलावा अगर कहानी की बात करें, फिल्म की कहानी की, माँ बेटे का रिश्ता दिखाया गया है, तो अभी जो है अभी के समय में माँ और बेटे का रिश्ता थोड़ा सा दूर होता जा रहा है, तो ऑडियंस कितना कनेक्ट करेगी इस वक्त? जो चीज होती है ना बड़ी अजीब चीज होती है, धीरे धीरे आप कटने लग जाते हैं, ऐसा भी नहीं कटते, हाँ माँ है ना ठीक है चलो ठीक है, ठीक वाली बातें होती है, बीवी है ना हाँ ठीक है, टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, जो गड़बड़ हो जाता है तो ऑडियंस रिलेट करेगी उसको। माँ बेटों की कहानी है, माँ बेटे की कहानी नहीं, माँ बेटों की, जिसके 5 बेटे हों, मतलब पुराने समय में लोग कहते थे ना पूतो फलो भाई ताकि तुम्हारा बुढ़ापा सही हो, यहाँ तो 5-5 बेटे हैं, फिर क्या होता है आपकी लाइफ में? तो इस बात से रिलेट करेगी ऑडियंस। सर आप किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं अपनी अम्मा के साथ? मेरी अपनी अम्मा या फिल्म वाली अम्मा? आपकी अपनी। अरे बिल्कुल, मैं शेयर क्या करता हूँ, जान है मेरी, उनका दिल मुझ पे लटका रहता है हमेशा, क्या कर रहा हुआ संजय, बेटा खा लिए, खाने का बॉन्डिंग है हमारी, हमारे माता जी में
कि बेटा नाश्ता कर लो, बेटा खाना खा लो, बेटा ये तो बेटा वो बना है तुम्हारे, उन्हें पक्का तो उसी हिसाब से हम वो साग तोड़ के लाए हैं, ये सब तो एक बढ़िया बॉन्डिंग है। हम लोग आपस में मिलते रहते हैं, कभी कभी हम उनको शूटिंग में भी रख लेते हैं अपने साथ, तो 10 दिन रहती हैं ग्वालियर की शूटिंग में थी मेरे साथ, जाती वाती रहती हैं, उनको अच्छा लगता है देखना सब कुछ, बेहतरीन है, अच्छी बॉन्डिंग। कितना मुश्किल था क्योंकि ये बहुत ही छोटे शहर में शूट किया गया है और आपके जो भी ज्यादातर मूवी देखा जाए तो छोटे शहर को एक्सप्लोर किया जाता है, तो कितना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत से कठिनाई रहती है छोटे छोटे जो गांव में जाते। लेकिन अब धीरे 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 हमें आदत बन गई और मेरे कैरेक्टर ज्यादातर आस पास के कैरेक्टर होते हैं कि मतलब एक शहर में एक बंदा ऐसा भी है, छोटे शहर में एक बंदा ऐसा, तो मैं उस तरह की बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट बड़ा करता हूँ और अच्छा रहता है। अब तो मतलब हिंदुस्तान में किसी भी शहर में आप जा करके अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ आप अच्छा शूट कर सकते हैं, तो बड़ा मज़ेदार भी रहता है, नए नए चीज़ें मिलती हैं। अभी जैसे मैं बड़नगर में शूटिंग कर रहा था, बड़नगर एक जगह है, वहाँ पर एक रोड है, वहाँ पर रात में इतने कम से कम 20-25 हज़ार तोते आ जाते हैं, कभी मैंने लाइफ में नहीं देखा 20-25 हज़ार होते रात में करते रहते, तो एक नई चीज देखने को मिलती है। हरदा बहुत छोटा शहर है, बहुत छोटा शहर, स्टेशन के पास गए कुछ थोड़ा बनवाया, खाए पिए, चले आए, बहुत कूल, जहाँ अम्मा की बोली की छूट हुई, मजेदार था। हर साल आप करीबन बहुत सारे मूवी करते हैं और सभी मूवी को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है, हर मूवी हर साल करीबन आपकी 7-8 मूवी तो आ ही जाती है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप सारे मूवी को और पर्सनल जो आपकी फैमिली को टाइम देना होता है? कभी कभी फैमिली को मैं अपने उनकी छुट्टियां रहती हैं तो शूटिंग में बुला लेता हूं, नहीं तो जब बंबई में रहता हूं तो मिलता हूं, लेकिन है मुश्किल तो होता है क्योंकि ज़्यादा समय बाहर रहते हैं आप, और बच्चे तो आजकल के क्या बोलूं, बड़े मरूस बच्चे हैं यार, टोटल टाइम वो मोबाइल पर ही रहते हैं, तो बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं दोनों, मतलब पापा से उनको कोई मतलब नहीं, उनके मोबाइल दे दो बस, तो उसमें रहते हैं बस, तो कभी गलती से फ़ोन उठा लिया, हाँ बाबा आप रखो ना मैं बात करती हूँ, तो करते रहते हैं, पत्नी ज़्यादा ध्यान देती है बच्चों पर। ओके, आखिरी सवाल सर, 30 तारीख को मूवी आ रही है तो आपके फैंस और दर्शकों को क्या कहना चाहिए? बहुत घरेलू मूवी है, बहुत फैमिली टाइप की मूवी है, मज़ेदार है, भाई भाई की कहानी है, माँ बेटे की कहानी है, तो अपनी जैसी कहानी है, कृपया देखिए। थैंक यू सर, एक वीडियो करना है अभी।